साथ देगी तो भी मैं इधर से नहीं हिलूंगी। जिएगी तो इधर ही और मरेगी तो भी इधर ही, लेकिन पानी पानी छोड़ने को भागी पड़ेगी। सब महानगर पालिका को मैं पानी छोड़ने को भाग करेगी। मुश्किल तो है लेकिन अभी तक हमारा हौसला टूटा नहीं है और ना ही टूटेगा जब तक पानी लोग नहीं दे रहे, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हेल्थ के बारे में जी, कुछ भी हो हमको, मरेगी तो जनता के लिए मरूंगी, जीऊगी तो घर के लिए जीऊगी। पानी के ऊपर राजनीति तो गए 30 साल से यहाँ के सत्ताधारी कर रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे लोगों के घर के सामने पाइपलाइन बिछाने का, बाद में वही पाइपलाइन उठा के भंगार में बेच देने का, अगर कोई पानी नहीं दे वोट नहीं देता तो उनको बहुत जबरदस्ती धमकाने का कि पानी नहीं आपका काटा जाएगा, हमको अगर वोट नहीं देंगे तो आपका पानी काटा जाएगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, सदियों से एक नारा रहा है कि जल ही जीवन है, लेकिन आज परिस्थिति ये आ गई है कि जल ही जीवन है वो नारा शायद उल्टा हो गया है, और उसके लिए उसकी बजाय ये नारा अब शायद आने वाले दिनों में सामने आए कि जल के लिए मरण है। आपने सही सुना, यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पीछे कुछ महिलाएं हैं जो इस मांग को लेकर कि जल्द से जल्द पानी सप्लाई शुरू की जाए, पिछले 2 दिनों से आम रोड उपोषण पे बैठी अपनी जान देने को तैयार है महिलाएं। आगरी सेना की ये पदाधिकारी है और इनके साथ में यहाँ सामने मंच पर कई लोग जो जिनको एकत्रित आगरी सेना ने किया है, लेकिन जो वास्तविक में स्थानिक लोग हैं और परेशान लोग हैं जिनको कई समय से पानी नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग हैं। हम सभी जानते हैं पिछले काफ़ी दिनों में काफ़ी मोर्चे हुए, काफ़ी कुछ बवाल हुआ, हर एक चीज़ हर कोई ये मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहा है कि पानी का मुद्दा राजनीतिक माहौल में भी काफ़ी भुनाया जा रहा है। और सूर्या बांध का जो हालिया काम शुरू हुआ उसके बाद में वो काम तमाम हो चुका है, पूरा हो चुका है पाइपलाइन का, उसके बावजूद उस पाइपलाइन से पानी को इसलिए सिर्फ नहीं छोड़ा जा रहा है कि उसका उद्घाटन कौन करेगा, कब करेगा, ये तय नहीं हो पा रहा है। जैसा कि इस समय देश भर में एक अलग ही कुछ रास्ते पर देश जा रहा है, यहाँ हर चीज़ का श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, काम कोई करेगा नहीं करेगा लेकिन श्रेय उनको चाहिए, और यही वजह है कि उद्घाटन का समय नहीं निकल पा रहा है। बड़े बड़े काम यहाँ हो जा रहे हैं लेकिन एक उद्घाटन यहाँ नहीं हो पा रहा है, और उस उद्घाटन का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वसई विरार की आम जनता को, जिसको पानी की काफ़ी समस्याएं हो रही है। इस साल जून से लेकर अक्टूबर के बीच में काफ़ी बारिश हुई तो पानी की प्रकृति की कोई यहाँ पानी की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सूर्य बांध का पानी नहीं छोड़े जाने की वजह से आज लोगों के घरों में नल में पानी नहीं आ रहा है और हर रोज लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस सूर्या धरण का उद्घाटन किया जाए, लेकिन लोगों की मांग को सुना नहीं जा रहा है। और इसी बात को लेकर आगरी सेना की महिला पदाधिकारियों ने अब आमरण उपोषण शुरू किया है, आज इनका दूसरा दिन है। हम आए इनसे बात करने, आप खुद सुनिए इनका क्या कुछ कहना है। भाई आपका नाम? मेरा नाम रूपाली संदेश पवार है, मैं आगरी सेना वसई विरार महिला जिला अध्यक्ष हूँ। भाई आप कल से आमरण उपोषण पे बैठे हैं, पीछे कई दिनों में कई आंदोलन हुए, कई मोर्चे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पे भी ये जो उद्घाटन है होता दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपके आमरण उपोषण के पर बैठने के बाद भी क्या प्रशासन आपकी सुनेगा? प्रशासन को हम सुनाएंगे उनको, और उनको हमारा सुनना ही पड़ेगा, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, हम लोग ऐसा ही उपोषण चालू ही रखेंगे। मतलब आपका उपोषण कब तक, कितने दिनों तक चलने वाला है? जब तक पानी चालू नहीं करते तब तक हमारा उपोषण चालू ही रहेगा। आपके साथ में इस उपोषण में कौन कौन लोग शामिल है और कितने दिन, अभी तो दूसरा ही दिन है तो आगे, आज आपकी हेल्थ भी काफ़ी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी उतरी हुई है, अगर आपकी हेल्थ साथ नहीं देती तब उस परिस्थिति में क्या होगा? हेल्थ नहीं साथ देगी तो भी मैं इधर से नहीं हिलूँगी, जिएगी तो इधर ही और मरेगी तो भी इधर ही, लेकिन पानी
पानी छोड़ने को भागी पड़ेगी। सब महानगर पालिका को मैं पानी छोड़ने को भाग पड़ेगी, लेकिन मैं मरेगी तो भी चलेगी, लेकिन इधर ही रहेगी। आपके चेहरे से साफ झलक रहा है कि आपकी हेल्थ काफ़ी नाजुक है, तो इस समय कोई डॉक्टर या महानगर पालिका का कर्मचारी आया आपकी तपास के लिए, यहाँ कोई अभी तक बातचीत के लिए आया है मंच पर? महानगर पालिका को कोई कर्मचारी नहीं आया है, डॉक्टर आके चेक करके चले गए, लेकिन महानगर पालिका कोई कर्मचारी नहीं आया है। ताई आपका नाम क्या है? मेरा नाम त्रिवेणी अनिल माने है, मैं विरार शहर अध्यक्ष है आगरी सेना की। मांग तो आपकी भी वही है, लेकिन आप क्या अलग अपनी तरफ से कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये लोग आपकी सुनेंगे? उनको सुनना पड़ेगा, जैसे अभी ये जनता आके हमारे साथ में बैठी है, और दो दिन जाने दो और आएंगे, और ये उनको सुनना ही पड़ेगा। और उनके जीत के आगे हमारी जीत बड़ी है। आज पहली बार कोई महिलाएं कुपोषण के लिए बैठे हैं यहाँ पे, तो उनको सुनना ही पड़ेगा। इसमें एक फैक्टर है हेल्थ फैक्टर, आप लोग की हेल्थ जो है वो अब डाउन होते जा रही है, दूसरा दिन है आपने कुछ खाया पिया नहीं है, तो आपको वीकनेस महसूस हो रही होगी, ऐसे में आपके लिए बैठना कितना मुश्किल है? मुश्किल तो है, लेकिन अभी तक हमारा हौसला टूटा नहीं है, और ना ही टूटेगा, जब तक पानी लोग नहीं दे रहे हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। आपका नाम क्या? अश्विनी साहिल खेवरा। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, काम तो पूरा हो चुका है, पर वो जान मुझ के कर रहे हैं कि हमको पानी नहीं छोड़ रहे। आज वसई विरार में पानी नहीं है और पानी छोड़ने में नाटक कर रहे। आप क्या कहना चाहिए आपकी हेल्थ के बारे में? जी कुछ भी हो, हमको मरेगी तो जनता के लिए मरूंगी, जीऊगी तो घर के लिए जीऊगी। आगरी सेना के एक पदाधिकारी यहाँ है, इनसे बात करते हैं। नमस्ते, बोलिए। आप कुपोषण में इनका साथ दे रहे हैं? उनको हौसला बढ़ा रहे उनका। कुपोषण हमारी ताई 3 दिन से कर रही है। आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारत स्वतंत्र होके 75वां वर्ष आज़ादी का मना रहे हैं, और वसई विरार की जनता पानी के लिए कुपोषण कर रही है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, इनसे निवेदन है कि साहब जल्दी से जल्दी आप वसई विरार की जनता के लिए पानी मुआवजा कर रही है। जो 6 महीने से काम जिस टंकी का हो चुका है वो औपचारिक उद्घाटन के लिए आपने बाकी रखा है, वो औपचारिक उद्घाटन आप साइड में करके जल्दी से जल्दी जो वसई विरार की जनता पीड़ित है, वो जो पैसी जनता है, उनको आप पानी दिलाइए, यही मांग है। जब तक एक डेट डिक्लेयर नहीं होती है, जब तक पानी का उद्घाटन नहीं होता है, पानी वसई विरार की जनता को मिलता नहीं है, तब तक ये आमरण उपोषण ऐसे ही चलता रहेगा। क्या आज शासन डेट डिक्लेयर कर दे तो आज आप अपना ऑपरेशन यहाँ पे खत्म करेंगे? अगर शासन बोले हम लोग कल उद्घाटन कर दे तो उद्घाटन करने दो, फिर हमारा आमरण उपोषण है जो पीछे हो जाएगा, क्योंकि आज तक बहुत सी ऐसी बात है, आश्वासन ये लोग दे चुके हैं, लेकिन वो आश्वासन के अपने शब्द के खरे उतरे नहीं है। तो उनसे यही मांग है कि आप पहले उद्घाटन करिए, पहले जनता को पानी दीजिए, उसके बाद में ये जो आमरण उपोषण है वो स्थगित किया जाएगा। कई लोग यहाँ राजनीतिक तौर पर मोर्चे निकाल रहे, ये निकाल रहे, ये सब चीज़ भी फंडे यहाँ चालू है, उसके बारे में क्या कहें? पानी के ऊपर राजनीति तो गए 30 साल से यहाँ के सत्ताधारी कर रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे लोगों के घर के सामने पाइपलाइन बिछाने का, बाद में वही पाइपलाइन उठा के भंगार में बेच देने का, अगर कोई पानी नहीं दे वोट नहीं देता तो उनको जबरदस्ती धमकाने का कि पानी नहीं आपका काटा जाएगा, हमको अगर वोट नहीं देंगे तो आपका पानी काटा जाएगा। तो यही राजनीति है। अभी गए पिछले 6 महीने से विविध राजकीय संगठना के लोग रहेंगे, विविध राजकीय पक्ष के लोग रहेंगे, सामाजिक संगठना रहेगी, इन्होंने आंदोलन किया है। अभी अग्रसेन आंदोलन में उतरी है कि जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक आमरण उपोषण बंद नहीं होएगा। आपने सत्ताधारी का नाम लिया तो सत्ताधारियों ने भी पिछले दिनों आयुक्त को एक ज्ञापन दिया, उन्होंने भी ये चेतावनी दी कि अगर पानी नहीं आया तो हम आंदोलन करेंगे, तो ये क्या है? सत्ताधारी कितने सुसंस्कृत है, आपने 15 अगस्त को देखा रहेगा, तो उसके बारे में ज़्यादा बोलने की हमको जरूरत नहीं है। तो ये हम बात कर रहे थे यहाँ पर आगरी सेना के पदाधिकारियों से, आमरण उपोषण पर बैठी है महिला पदाधिकारियों से, क्या परिस्थिति है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष पूरा हो चुका है, अमृत महोत्सव के काफ़ी धूमधाम से अमृत महोत्सव मनाया गया, लाखों बल्कि करोड़ों का खर्च अमृत महोत्सव के नाम पर किया गया, लेकिन वास्तविक जीवन में जिस अमृत की जरूरत होती है, जल पानी, उसके लिए आज जनता किस तरह से परेशान है ये हमें साफ दिखाई दे रहा है। आज यहीं रुकेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ लोग यहाँ हैं
उनकी क्या समस्या है वो जानते हैं। आपका नाम क्या है? शकीला। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? पानी के लिए। हमारे इधर एक एक हफ्ता हो जाता है पानी नहीं आता है। हमारे बच्चे लोग ऐसे नंगे मैले कुचेले में पड़े रहते हैं, बर्तन नहीं धोया जाता है, हम लोग ऐसे परेशानी में रह रहे हैं। किस एरिया में आप रहते हैं? मैं जुदानी पाड़ा रहते, विरारिस्ट जुदानी पाड़ा। आप कहाँ से हैं? वही जुदानी पाड़ा से। हमारे यहाँ पे पानी नहीं है। पानी है तो हम भाड़े से भरते, हमको पानी मिलता नहीं। एक हफ्ता पानी आता नहीं है तो भाड़े वाले लोग को पानी मिलता नहीं है। मिल गया तो मिल गया, कोई बात ही नहीं। फिर बाड़ी पे दौड़े डब्बा लेके, ना खाना बनाने ना नहाने को पानी है। इसके लिए हम लोग बैठे हैं आखिर। आपका नाम? विजय गोलपकर। क्या इशू है? पानी नहीं है क्या? पानी का बहुत प्रॉब्लम है। कल हम लोग इधर आए, शाम हम लोग घर पे जाने के बाद पानी बंद हो गया। हम लोग का जो प्रेशर था ना कल, बहुत कम था पानी का। जब तक इधर पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, हम लोग उन लोग को साथ देने वाले हैं, सपोर्ट देने वाले हैं। तो आपने देखा महिलाएं हैं यहाँ बैठी, जो महिलाएं पानी से वास्तविकता में त्रस्त है, पानी जिनको नहीं मिल पा रहा है, ऐसी महिलाएं भी यहाँ इनके अग्रसेना के सपोर्ट में बैठी है। और कहीं ना कहीं राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन एक मुद्दा अपनी जगह पर है और उसी मुद्दे को लेकर आज अग्रसेना आगे बढ़ी हुई है। आज यहाँ दूसरा दिन है, ये बोर्ड लगा हुआ है अग्रसेना का, उपोषण का। और अब ये देखा जाएगा कि अब जब यहाँ लोग मरने को तैयार हो चुके, तब प्रशासन में क्या जाग आती है। अगर अब भी प्रशासन हमारा नहीं जगता है तो क्या प्रशासन को शर्म नहीं है? यह एक बड़ी सोच की बात है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वसई विरार से यूसुफ अली। आप अगर हमें आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन कर गूगल पे के जरिए भी हमें आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं। नए चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।